क्या हुआ? तुमने नीलो को क्या कहा है यार? क्या कहा? अरे बेचारी रो रही है, कह रही है भाभी ने डांटा है। अरे वो तो अम्मी के घर जाने की जिद कर रही थी ना, कह रही थी कि रूसा से मिलने। तो मैंने कहा कि आज नहीं, किसी और दिन चली जाना। नन्ही बच्ची थोड़ी ना है कि बात बात पे रोना शुरू कर दे। वो अगर वहां चली जाएगी तो कौन सा कोई देगे चाट जाएगी। मिलने दो रूसा से। तो मोहसिन वो कौन सा उरूसा की बचपन की सहेली है जो गुड्डा गुड़िया के खेल खेलने थे, उसने इतनी उसे याद सता रही थी उरूसा की। और मोहसिन देखो, तुम्हें तो घर की सारी सिचुएशन का पता है ना अच्छी तरह से। अच्छा ठीक है, तुम जाके मम्मी से बात कर लो, उन्हें समझा दो। मोहसिन देखो ना, प्लीज प्लीज यार जाओ ना। तुम देखो, तुम तो अपनी अम्मा को बचपन से जानते हो ना, वैसे जाके संभालो। मैं तो कसम भी खा जाऊंगी ना, वो मेरी बात नहीं सुनेंगी। अच्छा ठीक है, तुम ये चाहते हो ना कि मैं ना जाऊं, तो ठीक है मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम दोनों बहन भाई चले जाओ, बस सही है भाई। अच्छा 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 जा जा, लेकिन तुम्हारी वजह से डांट पड़ेगी मुझे अम्मी से। तो क्या हुआ, बचपन से ही सुन रहे हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि अम्मा ने ना घुट्टी में मिला के तुम्हें डांट ही पिलाई थी बचपन में। बको मत, तो मेरी शराफत का बहुत ज्यादा फायदा उठाने लगी हो तुम। जिस दिन गुस्सा आया ना, उस दिन पता चलेगा तुम। मोहसिन अच्छा ना, I'm sorry, अच्छा अच्छा ना, प्लीज जाओ ना, अपनी अम्मा को मनाओ, वरना हमें जाने नहीं देंगी। जाओ ना। वरना ये मेरे साथ चली जाती, वहां तो पता नहीं क्या सीन हो रहा होता। इसने तो वापस आके एक नई फिल्म बना देनी थी।